लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आज लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट को टीचिंग, नॉन टीचिंग और गेजेटेड पोस्ट के लिए मैंडेटरी बनाने के ऊपर उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने लद्दाख ट्राइबल फेस्टिवल 2023 के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस में शिरकत की थी। उस दौरान मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग में इन सारे इश्यूज के ऊपर बड़े पैमाने पर डिस्कशंस किया जाएगा और साथ साथ उन्होंने सांकू कॉलेज को लेकर भी अहम बयान दी हैं। आप तक लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बी डी मिश्रा ने क्या कुछ कहा लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लेकर आप तक पहुँचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। सर, LRC को लेकर काफ़ी डिमांड है कि LRC को सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी किया जाए, नॉन टीचिंग, टीचिंग और गेजेटेड के लिए, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे क्योंकि LRDC की तरफ से यह रेजिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि जो हम नौकरियां जनरेट करें या जो हम वैकेंसी जनरेट करें और उसमें एक्सेप्शन ही हो कि हम बाहर से लें, लेकिन जो हम ग्रुप 3 एम्प्लॉइज़ हैं, जो बाकी एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जवान, हमारे यूथ को देना चाहिए ना ओकेजन। हमको अपने लोगों को देखना है ना, तो हम नहीं देखेंगे अपने लोगों को तो कौन देखेगा। तो उसका मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको रीइन्फोर्स करेंगे और ये जितना भी हम अपने यूथ के लिए अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करना कर सकेंगे करेंगे। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में LRC कब तक मैंडेटरी हो सकता है? नहीं, जो भी वैकेंसी निकली है, अभी हमारी एक मीटिंग हो रही है यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी की और उसमें डिस्कस होगा और उसमें उसमें पॉलिसी लेकर के पोस्ट पे पोस्ट के लिए कंसर्न देखा गया था, वो इंटरव्यू के बाद देखिए था उस पे कोई नहीं। देखिए, ऐसा है कि जब हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी, ये पॉइंट वहाँ पर है, हम डिस्कस करेंगे, हम डिसीशन लेंगे उस पर और डिसीशन आवाम के हित में लेंगे। सर, सांकू कॉलेज को लेकर अप्रूवल आ सकता है जल्द से जल्द MHA के लिए? ये पॉइंट हमारे कंसिडरेशन में है, उसका लेआउट थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। थैंक यू सर।